ये सीन ने मुझे जो इमोशनल कहा के बाद डिनर है जो लड़के वालों ने अरेंज किया। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो। वाओ, मेकअप अप्लाई होगा, बस शूट वूट होगा, उसके बाद निकाह पड़ा जाएगा, फिर क्या, बस छुट्टी खत्म। कितना प्यारा है यार। और मेरे ग्लासेस गुम चुके हैं, उसको भी ढूंढती हूँ, इनके बगैर ना मेरा गुजारा नहीं है। ये ब्राइट का रूम है, ये ब्राइट की यहाँ पे ट्रांजिशन चल रही है और राबिया ज़ैनब का इस कमरे में मेकअप चल रहा है। इस पे नहीं बैठी यार, ये कंफर्टेबल, वो बहुत ऊंची, अपनी तैयारियां लगी हुई है वो करने। ये मेरा ड्रेस है यार, ये तो ओ माय गॉड क्यूटी ड्रेस। चलो यार, अब मैं भी अपनी टीम को बोलूं कि मेरा मेकअप स्टार्ट करे। लेंस मांगने आई हूँ यार अपने। भाग जा। तो यहाँ पे मेकअप चल रहे हैं, ट्रांजिशन वीडियोस बन रही हैं। अच्छा मजे का व्यू है, शायद मैं रात के टाइम आपको दिखा नहीं पाई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। मेरा दिल कर रहा है कि यार यहाँ पे ना मैं कोई काफी देर रह लूं। इतने प्यारे व्यू से जिसकी स्टार्टिंग हो उसका दिन कभी बुरा जा सकता है। ये है नाश्ता, चना हलवा पूरी वाला नाश्ता, ब्रेड बटर हाफ फ्राई अंडा। सारे आज जो नाश्ता लग गया है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद अगला कोई काम करना, ठीक है? बाद में पता लगे सारी भी होश पड़ी हुई है निकाह वाले दिन। तो वेदर का पता नहीं है, बारिश भी आ सकती है। अगर बारिश आके फिर वो अंदर इंडोर करेंगे। ये ब्राइड के लिए मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ, प्लेट बना ली है। एक्चुअली मेरा ये होती है ब्राइड मेड्स की ड्यूटियाँ। तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई। ये मत कह देना शादी के बाद कि उन्होंने मेरे साथ एंगेजमेंट वाला हाल किया है। अभी कहाँ पे रखवाऊं? नाश्ता दे दिया, ये मेरी ड्यूटी थी कि ब्राइड तक नाश्ता पहुँचाना। चलो गुड लक, अच्छा सा तैयार करना मेरी बड़ी बहन को। ये मेरा और हिरा का मेकअप जो है वो इधर ही होगा। लड़कियों से पहले ना लड़के तैयार हो गए, पहले ही खड़े हो गए। फाइनली मेरा मेकअप डन हो चुका है, बाल भी बन चुके हैं और बस थोड़ा सेटिंग हो रही है बालों की, उसके बाद आई एम डन। आपने इतनी ठंड में हाफ बाजू वाले कपड़े, ये सिर्फ औरत समझ सकती है, आप ही बच्चे उसके। यार मम्मी इतनी प्यारी तो शायद आप अपनी शादी पे भी नहीं लगी हो। बहुत प्यारी लग रही हो मम्मी आप, बहुत। आज हम सब भी प्यारे लग रहे हैं। आत्मा की कमर से जवाब दे रही है, रात को ढोलकी सुबह निकाह, एक दिन का तो गैप देना चाहिए था ना यार। रही है ना देखो दिल भी तारीफ कर दो कोई। ब्राइड मेड जो है वो ब्राइड का दुपट्टा सेट कर रही है, दो ब्राइड मेड मिसिंग है क्योंकि वो उस टाइम सो रही थी, वो पहली वाली ट्रांजिशन में नहीं थी। तो अब यहाँ से ऐसे ही होता है, पहले दुपट्टा यहाँ से लेके जाएगा ताकि वहाँ पे जाकर दुपट्टा उठाएगी तो वो लुक देखे। क्यों खोलेगी? ब्राइड मेड्स खोलेंगी। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ सज धज के बैठ गई हैं, दुपट्टे का आपी का वेट कर रहे हैं, लड़के वाले भेजे ताकि आप ही पहने और फिर बाहर निकले, फिर वो ऐसे उठाए और अरीब भाई कहे। वैसे तुम्हें पता है मोस्टली लड़के रोते भी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपी से कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अरीब भाई रोएंगे? लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? ये आपको शादी के कुछ महीनों बाद खुद ही वो लोग बताएं। रिसीव करने जा रहे हैं दूल्हे की बहनों को, वो दुपट्टा पहनाने आ रही है आपी। ओपन द डोर। चाची आ गई, चाची आ जाएंगी। ऑफिशियली आ गई साड़ी को। मानो अपना जूड़ा पीछे करो। दर्शनी करना मेरे लिए। राबिया की विग निकल रही है। राबिया या तो लगाई रखो तो या उतार दो। 1 2 3 4 लेट्स गो। अब हम आप ही को लेकर ऊपर जा रहे हैं। पापा हमें गाइड कर रहे हैं कि पहले आप ही जाएगी लहंगा पकड़ेगी और फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। अभी वो पकड़ने वाला आएगा, बहुत अच्छा। मेरा ड्रीम था यू नो वर्ड कि मेरी बहन की कब शादी हो और कब मैं ये पकड़ूं। पहले पकड़ूंगी, मेरे साथ हीरा पकड़ेगी, हम लोग दोनों बड़ी है ना तो इसलिए। बेटा अभी आपको नहीं पता, आप डोरेमोन देखो जाओ। चार ब्राइड मेड यहाँ 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 से पकड़ेंगी, सही है? रेडी? आर यू गाइस रेडी? करेंगे तो बहुत वजनी है। ये तो हमारे बाजू थक रहे हैं यार, बाजुओं में ना दर्द होना शुरू हो गया। मैं यहाँ बैठने लगी हूँ। यार सेहत की बात नहीं है, स्टील का है यार ये। कबूल है मुझे फिलहाल, कबूल नहीं है। हेलो इस वजन के कपड़े को मेरे से दूर ले जाओ। लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो मेरी सही से पिक्चर्स भी नहीं आई थी, रो के मेरी सारी फाउंडेशन खराब हो गई। मैं ना यहाँ बैठ के वाइब लेना चाहती हूँ, कैसी वाइब आती है। और यहाँ पे यार सामने कोई बैठा नहीं हुआ,
कभी मेरी भी बारी आएगी जब मैं इस तरह कबूल बंधन के मुटियारा बटोला बनके इमोशनल डे था इमोशनल डे मेरी पूरी फैमिली रोई है लड़के की भी फैमिली रोई है आई डोंट नो वो क्यों रोई है क्या ऑफिशियल साली होगी हो ठीक है ना पेपरों में लिखा गया उन्होंने कहा अपनी बेटी देते हमारे घर देते ये सीन ने मुझे जो इमोशनल किया मेरे तो टिप 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 आंसू ऐसे ऐसे यार बहुत ज्यादा शूट हो गया अब चलते हैं खाना खाने इतनी ठंड लग रही है यार इन कपड़ों में मैं आपको बता नहीं सकती काबली पुलाव बटर चिकन दाल मखनी चपली कबाब मलाई नान रोटी फोर टाइप के यहाँ पे जूसेस भी थे जलेबी चलो तो खाना दिखा दिए अब खाना खा लेते हाँ अब चलो वापस चले रूम्स में बहुत ठंड है पहले तो नहीं लग रही थी लेकिन अब फील हो रही है यहाँ पे हम लोग बैठे आफ्टर निकाह बातें कर रहे थे क्या 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 यार लेडीज शेर आ गया मैंने ये ऑर्डर नहीं था किया ये देखो नौमी भाई मेरी तो ईद है मेरा हो गया चलो छुट्टी 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 नौमी भाई ने हमें शेर दे दिया अब ये पूरा शेर जो है वो शिष्टराई चलो जी पहनेगी दादू आप ही शेर है फाइनली निकाह खत्म हो गया अब निकाह के बाद डिनर है जो लड़के वालों ने अरेंज किया है हमारे लिए थोड़ा सा मेकअप रिमूव करके और थोड़े कपड़े चेंज करके नीचे चलती हूँ फिर आपको नीचे का थोड़ा सीन दिखाती हूँ ठीक है फाइनली यार मेकअप शेकअप रिमूव कर लिया कपड़े चेंज कर लिए मम्मा और मैं चलते हैं नीचे बाकी सब पहुंच चुके हैं नीचे जाकर देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है और ये गजरे लेके जाने हैं उसने कहा था लेती आना सबको देने हैं तो यार ये जो है खाना नीचे लगा हुआ है मैंने यहाँ पे रख दिया जिसने लेने होंगे ले लेंगे अब खाना खाते हैं तो यार वहाँ से हम खाना वगैरह खाए थे और इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं सब तकरीबन सो चुके हैं मैं और मेरा कजन मिलके ना चाय बना रहे हैं मैंने बना फिर जल्दी वेलकम टू अल्पाइन होटल एंड रिसोर्ट एक एक टी बैग शाबाश वापस हमें नहीं पता था कि ऊपर खवातीनें जाग रही हैं अब उनके लिए भी चाय का ऑर्डर हो गया लेके चले चाय तो ये लेके आई हूँ मैं चाय का एज यूजुअल यहाँ पे टॉक्स चल रही है लेडीज बट सब लोग जाग रहे हैं आप ही बस कर यार सो गाइज इट्स टाइम टू लीव द लोकेशन सब लोग बाहर पहुंच चुके हैं मेरा वेट कर रहे हैं मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ निकलते हैं यहाँ से बहुत मजा आया हम इस लोकेशन पे और बहुत सारा हमने फन किया बहुत ज्यादा मजे की एक्टिविटीज की खाली हो गया पूरा विला नाउ वी आर लिविंग मुझे फील है कि बहुत याद आएंगी लड़कियाँ जहाँ छोटा बच्चा देखती है उसको चिपक जाती है ना रुलाओ यार खैर अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो कमेंट करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आई लव यू कैसे कहूँ